आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं शोज करती हूँ। जो आपके मन में सवाल है कि आरजे कैसे बना जाए, आरजे क्या होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं आपके सवालों के जवाब में देने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले जो आरजे दिमाग में आता है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करते हैं, मतलब गलत समझते हैं कि कैसे मतलब आरजे अगर आप बन रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे एज पे काम करना होगा तब आप आरजे बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आरजे बनने के लिए सबसे पहली बात तो आपको लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, लिखाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन मस्ट है। कहीं पर भी आप जाएंगे, चाहे आप आकाशवाणी के किसी चैनल में जाइए, आप किसी प्राइवेट चैनल में जाइए, पढ़ना लिखना ज़रूरी है और कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और आरजे बनने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस भी भाषा को जानते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा जाहिर सी बात है हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी, अंग्रेजी और जो भी आपकी मातृभाषा है, हर भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी। हम मोटे तौर पे बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इसके शब्दों का उच्चारण आपको ठीक से आना चाहिए, थोड़ा बहुत साहित्य आपने पढ़ा होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं समरी में कहूँ, सारांश में कहूँ, तो आपको लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आकाशवाणी के किसी चैनल में आते हैं, एफएम गोल्ड चैनल है, एफएम रेनबो चैनल है, वहाँ आरजे बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है। आपकी जो विशेषता है, जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है, जो आपकी गुणवत्ता है हम कह सकते हैं, उस पर ही सिलेक्शन होता है ये सारा कुछ। और हिंदी भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा जितनी आपको आती है उतनी अच्छी होनी चाहिए, शुड बी सिंपल एंड करेक्ट, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, और उर्दू के शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर आप लिखने पढ़ने वाले हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हर रोज़ कुछ पढ़ें, कुछ भी पढ़िए, ये मत सोचिए कि कुछ, मतलब ये मत सोचिए कि कैसा साहित्य क्या है क्या नहीं, कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर उठाइए, पहले पन्ने की न्यूज़ पढ़िए, तीसरे पन्ने की पढ़िए, और कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, साहित्य हमेशा अच्छा होता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आज मैंने सुबह पढ़ लिया कि आम की पुडिंग कैसे बनाए, ये भी एक सीखने की चीज़ है, कुछ भी पढ़िए। और कुछ ऐसे चैनल्स आते हैं, जब हम केबल देखते हैं तो कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जैसे डिस्कवरी है, जैसे इपिक है, उसके शोज़ को देखिए। हमारे देश की जो विशेषताएं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ की, बहुत कम लोग जानते हैं कुछ चीज़ों को, उनको पढ़िए, सीखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉलेज जो है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, कैसे धीरे धीरे विकसित होता है आगे। और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, आप जितना किताबों के करीब रहेंगे किताबें आपको उतना सिखाएंगी। सोशल मीडिया पे आना बहुत अच्छी बात है, फेसबुक से जुड़ना, चैटिंग करना, गूगल पे सर्च करना, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप किताबों का साथ एक बार पकड़ लेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें आरजे बनने के लिए ज़रूरी हैं। लोग मीडिया के लिए समझते हैं कि बस ये कुछ ऐसे ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हर कलाकार जो है वो बहुत मेहनत करता है। अगर आप किसी ड्रामा के शोज़ की बात करते हैं तो एक कलाकार एक कैरेक्टर में उतरने के लिए किस लेवल की, किस स्तर की मेहनत करता है, ये आम आदमी सोच नहीं सकता। अगर आपको अपने आप को उस स्तर का बनाना है तो लिखने पढ़ने वाला तो होना ही चाहिए। अगर आप लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो आरजे बनना मुश्किल है फिर आपके लिए। तो लिखने पढ़ने वाला बनिए और खूब सारी किताबें पढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बनने के लिए सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बोलने वाले से ज़्यादा, वक्ता से ज़्यादा श्रोता अच्छा होना चाहिए। आप सुनिए, लोगों को सुनिए और लोगों से सीखिए, तभी आप अपने जो ज्ञान का स्तर है, जो नॉलेज ऑफ, जो लेवल है नॉलेज का, तभी आप उसको बढ़ा सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।